रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। चलो आ जाओ इंडिपेंडेंस कर्व को इधर पढ़ो, देखते हैं क्या क्या है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर अपन को मिल गया इंडिपेंडेंस कर्व मिल गया सबको। द ऑर्डिनल एनालिसिस ऑफ डिमांड, हियर वी विल डिस्कस द वन गिवन बाय हिक्स एंड एलन। तो सर ऑर्डिनल अप्रोच एज वेल एज इंडिपेंडेंस कर्व किसने इंट्रोड्यूस किया था? हिक्स एंड एलन। मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसने किया था? और अल्फर्ड मार्शल। दो क्वेश्चन है ये आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, इज बेस्ड ऑन इंडिफरेंस कर्व विच रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस ग्राफिकली। एंड इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच रिप्रेजेंट ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। देवर सेइंग कि आप ए पॉइंट चूज करो, बी पॉइंट चूज करो, सी चूज करो या डी चूज करो, You will get same level of satisfaction. मतलब आप है ना इन चारों में से कोई भी किसी भी चीज की शॉपिंग करो, आप घर आओगे तो एक जैसा ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, भले ही आप एक जीन्स खरीदो, दो खरीदो, तीन खरीदो या चार खरीदो। फिर since all combination on an indifference curve give equal satisfaction to the consumer is completely indifferent among them. सर ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे चारों ही पॉइंट्स पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? द रीजन बिहाइंड दैट देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज स्पेंडिंग हिज 1000 रुपीज इन ऑल दैट पर्टिकुलर गुड्स, क्योंकि सर रमेश अकेला ही ऐसा इंसान है जो इन गुड्स पे अपना पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो तो इसकी जगह तुम लोग होते, रमेश तो एक हो गया बंदा, इसके जगह तुम लोग होते तो शायद तुम्हें कॉम्बिनेशन सी पसंद नहीं है, शायद तुम्हें कॉम्बिनेशन बी पसंद नहीं है। तो कॉम्बिनेशन कोई भी पर्सन तभी बनाता है जब उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। लोग कहते हैं ना या तो ऐसा कर लो या फिर ऐसा कर लो, फिर कोई सजेशन देता है सर ऐसा भी तो कर सकते हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। मतलब जिस चीज के लिए उसने मना करा है ना उसमें उसको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला, इसलिए मना करा है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन आप सिर्फ तभी बनाते हो जब आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। समझ में आया? आगे देखो, और इट रिप्रेजेंट ऑल सेट ऑफ बंडल्स ऑफ गुड्स दैट आर कंज्यूमर व्यू बीइंग इक्वली डिजायरेबल। सर जो भी आपने ये चार बंडल्स बनाए ना, एक बंडल क्या है ए पॉइंट एक जींस आठ टी शर्ट, दूसरा बंडल बी पॉइंट टू और सिक्स वाला, तीसरा ये और चौथा ये सभी बंडल में पता है मेरी जो डिजायर है वो एक जैसे। मतलब राइट नाउ मेरा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है ना वो चारों ही पॉइंट में चेंज नहीं हो रहा। रीजन क्या है? कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। समझते हो सर कंज्यूमर कोई और नहीं है, सेम ही है। तो कंज्यूमर इंडिफरेंट लिखा है, वहां पे ये भी बोल सकते हो कि कंज्यूमर विल रिमेन सेम। इन अदर वर्ड्स सिंस ऑल द कॉम्बिनेशन प्रोवाइड्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन द कंज्यूमर प्रेफर्स देम इक्वली एंड डज नॉट माइंड विच कॉम्बिनेशन ही गेट्स। एंड इंडिफरेंस कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड आइसो यूटिलिटी कर्व और इक्वल यूटिलिटी कर्व। ये दूसरा क्वेश्चन अपना बन गया कि इंडिफरेंस कर्व को और क्या कहा जाता है। तो सर इसको आइसो यूटिलिटी कर्व कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? जब आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन में जब समझ में आ जाएगा। इक्वल यूटिलिटी कर्व क्यों कहा जाता है? सर इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व बोल सकते हैं, यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन। तो सर हर पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन सेम है तो इसलिए हम इसको इक्वल यूटिलिटी या इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व भी बोल सकते हैं। क्लियर? दो क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। नाम क्या क्या है इंडिफरेंस कर्व के? पहला, और किसने इंट्रोड्यूस करा है दूसरा, और बाकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कैसा सेटिस्फेक्शन मिलता है इंडिफरेंस कर्व पे? तो सेम मिलता है। कंज्यूमर कैसा होता है? इंडिफरेंट होता है। चार बन सकते हैं, ठीक है। चार में से हिक्स और एलन सबसे इंपॉर्टेंट है आने के बाद। चलो फिर इन लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया है, देख लो एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। इन लोगों ने भी क्या करा सर, एक जगह क्लोथ रखे और एक जगह फूड रखा, और फिर इन लोगों ने क्या निकाला उसका? इंडिफरेंस कर्व निकाला। तो सर उस पर्सन ने एक फूड लिया था और 12 क्लोथ लिए थे। सेकंड पॉइंट देखोगे तो एक यूनिट को गेन करने के लिए, फूड की एक यूनिट को पाने के लिए उसने कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस करा है?
छह यूनिट्स को सेक्रीफाइस करा, छह बची ना भाई, ये पढ़ा रहा हूं ना। फिर देखो एक यूनिट को और गेन करा उसने फूड की, दो से तीन हो गई, लेकिन एक यूनिट को और पानी के लिए उसने कितने क्लोथ को सेक्रीफाइस करा। थर्ड पॉइंट सी वाला, फूड की एक यूनिट को गेन करने के लिए, पाने के लिए कितनी यूनिट्स क्लोथ की सेटिस्फाई करी। अरे बहुत सिंपल है, देखो ना यार, छोड़ो उसको, छोड़ दो वो, छोड़ दो, अपन अपना एग्जांपल ले। पहले मैंने एक जीन्स खरीदी थी और 8 टी-शर्ट्स, ठीक है, रिसोर्स हटा रहा हूं। MRS समझाऊंगा, यहाँ पे तो MRS कुछ नहीं था सर। सेकंड पॉइंट पे देखो, मैंने कितना गेन करा यहाँ पे, जीन्स कितनी हो गई, एक से दो, मतलब 1+1, इसका मतलब एक यूनिट को गेन करा, उसके लिए आपने यहाँ पे सेक्रीफाइस कितना करा, दो यूनिट्स को सेक्रीफाइस करा, मतलब एक यूनिट को पाने के लिए आपने दो यूनिट्स को खो दिया। फिर देखो दो हो गई थी यहाँ पे, अब दो से आपको तीन पे पहुंचना था, मतलब आपको एक यूनिट और चाहिए, एक यूनिट और गेन करनी है, उसके लिए आपने फिर से कितनी यूनिट्स को सैक्रिफाइस करा, दो यूनिट्स को भाई, 6-4, 2, सैक्रिफाइस दो को करा, चार तो अभी भी है ही, सैक्रिफाइस मतलब कितनी को खो दिया सर, पहले छह थी अब चार हो गई, मतलब दो ही खोई ना। फिर तीन से चार, एक यूनिट तो और पाना है आपको, एक को और गेन करना है, कितना सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, फिर से दो, फिर एक यूनिट और चाहिए आपको, कितने को सैक्रिफाइस करना पड़ा, दो। तो इसको कहा जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जहां पे आप एक यूनिट को पाने के लिए दो यूनिट को या दो से ज्यादा यूनिट को खो रहे हो बार बार, ठीक है। तो देखो MRS को MRS बोलते क्यों, MRS का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। स्कूल्स में तुम्हारे एक पीरियड होता था सब्स्टिट्यूशन पीरियड, याद है क्या होता था उसमें, एक टीचर नहीं आता था तो दूसरा टीचर आता था, यूजुअली होना क्या चाहिए, अगर मैथ्स का टीचर एब्सेंट हो तो उसकी जगह दूसरा मैथ्स का टीचर, लेकिन स्कूल्स में क्या होता था, मैथ्स का टीचर नहीं आता था तो गेम्स लग जाता, ठीक है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, मैथ्स का टीचर नहीं आया ना तो उसकी जगह दूसरे को बुलाओ, ये होता है सब्स्टिट्यूशन। यानी सर या तो मैं ये कंज्यूम कर लूं या फिर मैं ये कंज्यूम कर लूं, पॉइंट ए कंज्यूम कर लूं या पॉइंट बी, मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे चाय की जगह कॉफी पी सकते हैं हम लोग, सेटिस्फेक्शन लगभग सेम होगा, है ना, कोका कोला की जगह पेप्सी या थम्सअप पी सकते हैं, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पता है क्या कहता है, मैं जीन्स की एक यूनिट को पाने के लिए टी शर्ट की दो यूनिट को सेक्रीफाइस कर सकता हूं, लेकिन उसमें मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि दो टी शर्ट को सेक्रीफाइस जो मैंने किया था ना, उसको मेरे एक जीन्स ने पूरा कर दिया, मतलब मेरा सेक्रीफाइस मेरे गेन के इक्वल हो गया, मेरे सेक्रीफाइस को मेरे गेन ने सेट ऑफ कर दिया, इस वजह से मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम ही है। भाई अगर कोई चीज चली जाती है तो दुख होता है ना, दो टी शर्ट चली गई दुख हुआ, लेकिन जैसे ही एक जीन्स आई वो दुख वापस भरा गया, तो सर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है। तो इसलिए इस वर्ड को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, कि सर ये जो एडिशनल आप चीजों को खो रहे हो, एडिशनल चीजें आपके पास से सेक्रीफाइस हो रही हैं, लेकिन जो एडिशनल आपके पास आ रहा है ना, तो जाने वाली चीज को आने वाली चीज क्या कर रही है, ऑफसेट कर रही है। तो जो आपने सैक्रिफाइस करा है उसकी भरपूर आपको उतना गेन मिल रहा है, उसकी इक्वल आपको गेन मिल रहा है, इसलिए सैक्रिफाइस को गेन क्या कर देता है, ऑफसेट कर देता है, इसलिए इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आया समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ, वर्ड का मीनिंग बता रहा था। अदरवाइज MRS क्या होता है, MRS का मतलब होता है सर अगर आप एक चीज को सेक्रीफाइस करते हो तो किसी चीज को पाने के लिए ही करते हो, ऑफकोर्स भाई कुछ खो दोगे तो कुछ मिलेगा भी, तो आपने जीन्स को टी शर्ट खो दी थी तो जीन्स मिल गई, है ना। तो MRS क्या बोलेगा कि सर टी शर्ट को जाने की वजह से आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम हुआ होगा ना, लेकिन जैसे ही एक जीन्स मिली सेटिस्फेक्शन वापस थी उतना हो गया, तो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है।
अब ये ग्राफ देख लो, एक जगह ले लो जीन्स 0 से 1, 2, 3, 4 और एक जगह ले लो टी शर्ट 2, 4, 6, 8, 10 चार पॉइंट्स ही बनाने, बस ए बी और सी डी है और मत बना। पॉइंट नंबर ए देखोगे तो एक जीन्स Y-axis, एक जीन्स और 8 टी-शर्ट्स, ये हो गया पहला। अपना जो ग्राफ है ना उसमें अपन को गैप थोड़ा अच्छा लेना चाहिए, ये हो गया अपना इंडिफरेंस। एक बार तुम लोग कोशिश करना, यहाँ पे जो गैप्स हैं वो थोड़े बड़े बड़े गैप्स चूज करना, जस्ट बिकॉज मैंने प्राइस बता दिया था इस वजह से मैं गैप्स को चेंज नहीं कर पाया। अगर गैप्स को ऐसे करोगे जैसे 1 जीन्स और 10 टी-शर्ट्स, 2 जीन्स और 5, 3 और 2, और अगर ऐसा करोगे तो आंसर ज्यादा अच्छी तरीके से आएगा। मतलब ये जो ग्राफ है ना ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, क्योंकि एम आर एस जो होता है ना वो धीरे 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 कम होता जाता है, ठीक है, इस वजह से। चलो हो गया ग्राफ, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व में क्या था कुल मिला के? सर मैं चारों में से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे चारों ही पॉइंट पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम मिल रहा है, एज वेल एज यहाँ पे जो कंज्यूमर होता है वो इनडिफरेंट होता है। सो वेदर यू कैन चूज पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी, ठीक है। ये हो गया अपना इनडिफरेंस कर्व। अब इसके अलावा इनडिफरेंस कर्व के कुछ अजम्पशंस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे इसको पढ़ते टाइम, ठीक है। तो अजम्पशंस देख लेते हैं साथ साथ। देखो पहला अजम्पशन, मतलब अगर चाहते हो आप ये लॉ काम करे देन यू हैव टू फॉलो दीज अजम्पशंस। पहला, द फाउंडेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी इज एन अजम्पशन दैट कंज्यूमर नो हिज ओन टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड पजेसेस फुल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल रिलेवेंट एस्पेक्ट इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच ही लिव्स। सर जो भी इंसान गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, जो भी इंसान इन गुड्स को खरीद रहा है, उस इंसान को अपने टेस्ट के बारे में तो पता हो गई भाई, तुम्हें क्या परचेज करना है। तुम मार्केट में जाते हो तो पहले से डिसाइड रहता है मैं इस तरीके की क्लोथ्स पहनता हूँ, इस तरीके की चीजें खाता हूँ, तो मुझे मेरा टेस्ट और प्रेफरेंस पता रहता है, मुझे किसी और से पूछना नहीं पड़ता। तो एक चीज आप ये मान के चलोगे कि भाई मैं अगर कुछ गुड्स खरीदने जा रहा हूं तो मुझे मेरे टेस्ट और प्रेफरेंस के बारे में पता है। सेकेंड, द कंज्यूमर इज रैशनल एंड टेंड्स टू टेक रैशनल एक्शंस दैट रिजल्ट इन अ मोर प्रिफर्ड कंजम्पशन बंडल ओवर द लेस प्रिफर्ड बंडल। देखो भाई इसको बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या होता है, अगर कोई कंज्यूमर है, ठीक है, जैसे तुम लोग, मैं तुम्हारे सामने दो ऑप्शन रख दूं कि भाई पहला ऑप्शन है 5 टी-शर्ट ले लो और साथ में उसके 3 जीन्स ले लो, ये पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन 7 टी-शर्ट ले लो और 5 जीन्स ले लो सेम प्राइस में, दोनों का प्राइस सेम, क्वालिटी पे अभी फोकस नहीं करना, प्राइस इज सेम, कौन सा चूज करोगे? ये वाला चूज करोगे। क्यों सर? टी शर्ट भी ज्यादा मिल रही है और जीन्स भी ज्यादा मिल रही है, तो यहाँ पे मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा होगा। एक रैशनल कंज्यूमर, एक नॉर्मल इंसान हमेशा इसको चूज करेगा। अगर कोई पागल टाइप से होगा ना तो जरूर पॉइंट नंबर ए को चूज करेगा, लेकिन रैशनल ह्यूमन बींग है तो वो यही चूज करेगा। मतलब सेकंड पॉइंट कह रहा है कि सर अगर कंज्यूमर एक नॉर्मल पर्सन हुआ ना तो हमेशा वो उसी चीज को खरीदेगा जिसमें उसको ज्यादा मिल रहा है ना, फायदा हो रहा हो, प्रॉफिट तो नहीं है इधर, लेकिन हाँ ज्यादा गुड्स मिल रहे हैं। भाई 10 एप्पल आपको 20 रुपए मिल रहे हैं और 20 रुपए में 20 एप्पल मिल रहे हैं, कौन सा चूज करोगे? 20 रुपए में 20 का, क्वालिटी अभी फोकस नहीं करना है, नहीं तो बोलोगे सर क्वालिटी ऐसी वैसी,
तो इसको बोला जाता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, जिसमें एक पर्सन हमेशा वो चीज को लेता है जिससे उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, और ज्यादा सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, जब क्वांटिटी ज्यादा होगी। थर्ड पॉइंट देखें, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अज्यूम दैट यूटिलिटी इज ओनली इन ऑर्डिनरी एक्सप्लेबल एक्सप्रेसिबल द कंज्यूमर इज कैपेबल ऑफ रैंकिंग ऑल कंसीवेबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द यील्ड। दस If he is given various combinations, say A, B, C, D, E, he can rank themselves the first preference, second, and so on. However, if a consumer happen to prefer A to B, he cannot tell quantitatively how much he prefer to A to B. So, सुनो भाई, ये जो approach है, यहाँ पे अपन लोगों को cardinal approach को follow नहीं करना। कार्डिनल में अपन लोग क्या करते थे, हर चीज को नंबर्स के फॉर्म में लेते थे, हर चीज को यूटिलिटी के फॉर्म में मेजर करते थे। यहाँ पे आपको चारों ही पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन तो सेम मिल रहा है, तो यहाँ पे आप क्या चारों खरीद सकते हो? चारों खरीदोगे तो 4,000 रुपए के आएंगे, तो चारों में से आपको कोई भी एक कॉम्बिनेशन चूज करना है, या तो ए खरीदो या बी या सी या फिर डी। अगर आप चारों में से कोई एक कॉम्बिनेशन चूज करोगे तो आपको तीन को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, तो एक पॉइंट को चूज करने के लिए आपको देनी पड़ती है रैंकिंग। सर रेस्टोरेंट में जाते हो तो खाने में हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन हर चीज खरीद भी नहीं सकते और खा भी नहीं सकते, तो इस वजह से हमें उन सब में से किसी एक को चूज करना पड़ता है कि भाई ऐसा नहीं है कि ये अच्छा नहीं है, पॉइंट नंबर बी अच्छा नहीं है, सी अच्छा नहीं है, पॉइंट चारों ही अच्छे हैं और चारों में ही सेम सेटिस्फेक्शन है, बट आई हैव टू चूज एनी वन पॉइंट, तो इसके लिए मुझे रैंक देनी पड़ी कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये। अब ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। सर मेरे पास ऑलरेडी बहुत जीन्स हैं, तो मैं ए पॉइंट को चूज कर सकता हूँ, एक जीन्स खरीद लेता हूँ, शर्ट्स नहीं है। आप बोलोगे यार मेरे पास तो जीन्स भी नहीं है और शर्ट भी नहीं है, तो आप बी को चूज करोगे कि भाई दो जीन्स और 5 शर्ट, या फिर सी को भी चूज कर सकते हो। लास्ट पॉइंट डी वाला, आप बोलोगे यार मेरे पास टी शर्ट बहुत सारी है, तो एक काम करता हूँ, एक टी शर्ट और 4 जीन्स वाला पॉइंट खरीद लेता हूँ। तो ये डिपेंड टाइप पे करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे, तो इसमें आप रैंक दोगे। लेकिन आप ये नहीं बोलोगे कि बी सी और डी नहीं खरीदा, सिर्फ ए खरीदा, ऐसा नहीं बोलोगे। क्यों बोल नहीं बोलोगे? क्योंकि सर मुझे इन पॉइंट से भी सेटिस्फेक्शन उतना ही मिलता, बस मैं चारों में से एक ही खरीद सकता था बिकॉज आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, इसलिए मैंने उन तीन को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सब में सेम। ठीक है, होता है ना भाई, कभी तुम लोग दो चीजें पसंद आ जाती हैं, डिसाइड करना पड़ता है दोनों में से कोई लेनी तो एक ही है, तो या तो ये लो या ये लो, इसको ले लोगे तो इसको भूलना पड़ेगा। क्लियर? तो अगर ये आपने चूज कर ली है और ये चूज नहीं करी, मतलब इसको आपने फर्स्ट बना दिया तो इसको सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कंज्यूमर चॉइस आर अज्यूम टू बी ट्रांजिटिव। इफ अ कंज्यूमर प्रेफर कॉम्बिनेशन ए टू बी एंड बी टू सी, देन ही मस्ट प्रेफर कॉम्बिनेशन ए टू सी, इन अदर वर्ड्स He is consistent consumption pattern. Sir, ये लोग कह रहे हैं the level of satisfaction, fifth point, the level of satisfaction at each point will remain same. क्यों? ये लोग कह रहे हैं कि सर जो point number A है ना, उसका satisfaction equal है point number B के, ठीक है? और जो point number B है ना, उसका satisfaction equal है point number C के, और जो point number C है, उसका equal है point number D के। तो सर मतलब क्या हुआ? A का इक्वल टू सी बी होगा, A का इक्वल टू डी बी होगा, है ना, और B का इक्वल टू, और कुछ बचा है तो देख लो। ये उनका कहना कि सर अगर A और B का सेटिस्फेक्शन सेम है, यहाँ भी 50 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और यहाँ भी 50 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और C में भी 50 यूटिल्स का मिल रहा है, इसका मतलब A और B एक दूसरे की इक्वल है, B और C एक दूसरे की इक्वल है, तो C और A तो अपने आप एक दूसरे की इक्वल हो गए ना, तो इसका मतलब क्या है, इन चारों में से कोई भी कॉम्बिनेशन खरीद लो, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होना चाहिए, तभी ये लॉ काम करेगा, अदरवाइज ये लॉ काम ही नहीं करेगा आपका। आप बोलोगे पॉइंट बी पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा ज्यादा, तो दिस इज नॉट इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व का मतलब ही क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जो हर जगह पे ए बी सी डी हर पॉइंट पे एक जैसा सेटिस्फेक्शन दे। ठीक है, अगर एक जैसा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तभी इंडिफरेंस कर रहा है, अदरवाइज नहीं। चलो लास्ट पॉइंट, इफ कॉम्बिनेशन ए हैज मोर कमोडिटी देन कॉम्बिनेशन बी, देन ए मस्ट बी प्रेफर्ड टू बी, दिस इज समथिंग रेफर्ड टू मोर इज बेटर अजम्पशन
और assumption of non-satisfaction. सर क्या होता है, कभी कभी है ना, जिन जगह पे मुझे ज्यादा चीज मिलती है प्राइस सेम होता है. जैसे देखो दो कॉम्बिनेशन अपन बना के देखते हैं, ये बने हुए हैं ऑल दो. जैसे भाई ये है, शायद सर ये जो कपड़े हैं ये लोकल मार्केट के हों और शायद ये ब्रांड हो, है ना. जहां पे मुझे मान लो दो टी शर्ट मिल रही हैं और तीन जीन्स मिल रही हैं 1000 रुपए में, और यहाँ पे मुझे 1000 रुपए में 60 टी शर्ट्स और 5 जीन्स मिल रहे हैं, क्या प्रेफर करोगे? ये ब्रांड है ना, क्वालिटी वाइज. लेकिन अगर क्वांटिटी पे फोकस करोगे तो लोकल होगा, क्योंकि है ना यहाँ पे एक इंसान पता क्या सोचेगा, ब्रांड पहनूंगा 3 साल तक चलेगा, लोकल कपड़े पहनूंगा 1 साल तक चलेगा. लेकिन लोकल कपड़े 12 मिल रहे हैं और ब्रांड 5 मिल रहे हैं, तो सर अल्टीमेटली ये भी देखा जाए तो 2.5 साल ये भी चलेगा और कॉम्बिनेशन भी ज्यादा हो जाएंगे. तो अगर क्वांटिटी पे फोकस करूं और क्वालिटी को इग्नोर कर दूं सीधा सीधा, तो देन आई विल चूज लोकल प्रोडक्ट, क्योंकि द मोर इज बेटर, जितना ज्यादा मिले उतना अच्छा है कि नहीं? अपन लोग भी यही प्रेफर करते हैं हर जगह, सर ज्यादा मिलना चाहिए भले ही क्वालिटी थोड़ी सी कम हो, है कि नहीं? तो यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन जो है, अगर मैं यहाँ ब्रांड नहीं लिखता तो ऑफकोर्स तुम लोग क्या चूज करते, बी वाला. बट हाँ, ब्रांड लिख दिया तो क्वालिटी बीच में आ गई, तो हर इंसान बोलेगा नहीं यार क्वालिटी क्वालिटी. अगर क्वालिटी में फोकस नहीं करोगे तो एवरी पर्सन विल चूज लोकल, क्योंकि जितना ज्यादा इंसान को मिलता है ना उतना ज्यादा ही वो एक्सपेक्ट करता है. तो भाई अपन क्या चूज करेंगे, लोकल. ठीक है, तो ये सब चीजें आपको सोच के चलना है, तभी आप इन चारों में से किसी पॉइंट को डिसाइड कर पाओगे. क्लियर? सो दीज आर दी रियलिस्टिक अजम्पशन यू हैव टू फॉलो. ठीक है, इंडिफरेंस कर्व के लिए अपन को ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी. ये हो गई अपनी इंडिफरेंस कर्व के बारे में. अब आ जाओ इंडिफरेंस मैप क्या होता है. प्रॉपर्टीज ना दी है, प्रॉपर्टीज नहीं दी, दी है ना? हाँ दी है, दी है. ठीक है, ठीक है, यही पूछो. चलो अब आ जाओ इंडिफरेंस मैप क्या होता है. द एंटायर यूटिलिटी फंक्शन ऑफ ए इंडिविजुअल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इंडिफरेंस कर्व मैप, विच इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व इन विच ईच कर्व करेस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. इन शॉर्ट, अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप. ठीक है, ये लाइन को अंडरलाइन कर लो इस चीज को. ईच इंडिफरेंस कर्व इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स and each point shares a common level of utility with the other. Combination of goods lying on indifference curve which are farther from the origin are preferred to those on indifference curve which are closer to the origin. Moving upwards to right from one indifference curve to next represent increase in utility, and moving down and left represent that decrease. An indifference curve map thus despite the complete picture of consumer taste and preference. सुन, क्या है? अभी पैसों को बीच में मत लाना, है ना? Right now ये समझ लो we are so अमीर and we have unlimited money. ठीक है, बहुत रिच है अपन लोग और बहुत पैसा है अपने पास. अब देखो भाई, एक इंडिफरेंस कर्व गया ऐसा, ठीक है, ये हो गया मेरा इंडिफरेंस कर्व वन. एक इंडिफरेंस कर्व गया ऐसा, ये हो गया आईसी टू. एक इंडिफरेंस कर्व गया ऐसा, आईसी थ्री. तीन ही बना रहे हो ना. पहले अपन बात करते हैं इसकी, ये वाले पॉइंट की. ठीक है, ये जो येलो वाला पॉइंट मैंने बनाया ना, पता ये क्या है? मैं एक शॉप पे गया, मैंने कहा मुझे जीन्स भी खरीदनी है और शर्ट भी खरीदनी है. उसने मुझे कपड़े दिखाना चालू कर, मैं कपड़े देखे, आई एम हैप्पी. उसने मुझे कपड़े दिखाए, उसने मुझे फिर रेट बताया कि सर ये कपड़ों का रेट आपको पड़ेगा जीन्स और टी शर्ट मिला के 500 रुपये. मैंने कहा 500 रुपये जीन्स और टी शर्ट दोनों? उसने कहा, मैंने इग्नोर कर दिया. मैंने कहा नहीं यार, मज़ा नहीं आएगा इतने कम प्राइस में, मज़ा नहीं आएगा, बेकार होंगे. उसने कहा ठीक है सर, दूसरा दिखाओ. उसने फिर मुझे दूसरा दिखाया, ग्रीन वाला. उसने मुझे ग्रीन वाला दिखाया, मैं बिल्कुल खुश, यार यही खरीदूंगा यही. जैसे उसने मुझे प्राइस बताया जीन्स और टी शर्ट का, कि सर जीन्स और टी शर्ट मिला के आपको पड़ेंगी 5000 रुपये, मेरे फिर होश उड़ गए. मैंने कहा भाई इतना भी ज्यादा नहीं, सर पसंद ये भी था और ऊपर वाला भी था, ऐसा नहीं है. जीन्स वो भी पसंद आई और ये भी पसंद आई,
फिर उसने मुझे तीसरा कॉम्बिनेशन दिखाया जिसका प्राइस था 2000, और मैं अपने घर से बजट 2000 का ही बना कर लाया। पसंद मुझे सारे कॉम्बिनेशन, लेकिन मैं चूज कौन सा करूंगा, बीच ठीक है, येलो ने कलर चेंज कर दिया, मिक्स हो गया, येलो और ब्लू से ग्रीन बनता है, ठीक है, बन गया ना। चलो तो देखो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हुआ कि एक इंसान ने डिफरेंट डिफरेंट चीजों को देखा। अब चीजों को देखने के बाद क्या होता है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में चेंज आया, ठीक है। इस पॉइंट पे देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे हर पॉइंट पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होगा, या इसके हर पॉइंट पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होगा, इसके हर पॉइंट पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है, ठीक है, इन ग्राफ्स के पॉइंट पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इससे इसको कंपेयर करूं और इससे इसको कंपेयर करूं, तो यहाँ पे मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आगे पीछे हो, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे गुड्स की वेराइटी डिफरेंट है। पहले उसने मुझे बहुत सस्ते प्रोडक्ट दिखाए, तो मैंने कहा सेटिस्फेक्शन मुझे मिला 200 रुपए का, यहाँ पे 200% सेटिस्फेक्शन मिला सर। ये दिखाया तो मैंने कहा 500% सेटिस्फेक्शन मिला, ये दिखाया तो मैंने कहा 2000% सेट, हाँ इसको 5000%, इसको 2000%, इतना इतना सेटिस्फेक्शन। तो वैसे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिला मुझे, 5000 पे, 5000 का सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन फिर भी मैं इसको परचेज नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज मेरी कैपेसिटी नहीं है परचेज। 200% का सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन मैं कहूंगा इतने सस्ते गुड्स तो मैं नहीं पहन। जब मैंने 2000 वाले कपड़े देखे, तो फाइनली मैंने डिसाइड करा कि मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन सर दिस इज दी बेस्ट फॉर मी जस्ट बिकॉज आई हैव लिमिटेड रिसोर्स। तो इनडिफरेंस मैप जो होता है ना, ये एक इंसान का बिहेवियर बताता है कि सर अगर कुछ ऐसी महंगी चीज दिखाएंगे तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, ज्यादा सस्ती दिखाएंगे तो सेटिस्फेक्शन कम होगा, एक उसके हिसाब से अगर कोई प्रोडक्ट दिखाएंगे तो इतना सेटिस्फेक्शन होगा। तो ही हैज टू चूज, कोई भी एक पॉइंट उसको चूज करना है जो इनकम के हिसाब से मोस्ट सुटेबल हो, जो उसके बजट के हिसाब से मोस्ट सुटेबल हो। ये समझ में आया पक्का कि तीन तरीके के गुड्स मैंने देखे, एक का प्राइस ज्यादा था, एक का कम था और एक का बहुत कम था, तो तीनों में से मैं कोई एक चूज करूंगा, ठीक है। जब बजट लाइन पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि तुम लोग कौन से पॉइंट को चूज करोगे, ठीक है। चलो देखो, अब ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है ना, जो मैंने एक चीज पढ़ी थी यहाँ पे, इंक्रीज और डिक्रीज, तो देखो इंक्रीज का मतलब क्या होता है, जब मुझे सेटिस्फेक्शन मेरे बजट से भी ज्यादा मिलता है, तो ये कहा जाता है कि सर आपका जो इंडिफरेंस कर्व है, आपको उससे भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन किसी गुड्स में मिल रहा है, तो मतलब उन गुड्स में आपका सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा है, आपकी यूटिलिटी ज्यादा है, बट आप परचेस भी कर सकते हैं। जैसे ये है, सबसे ज्यादा अच्छा यही लग रहा है ना, फिर भी नहीं खरीद सकते, ये ज्यादा बुरा लग रहा है तो ये खरीदोगे नहीं। तो देखो अगर मैं इसका एक सिंगल पिक्चर बनाऊं, और ये रहा मेरा इंडिफरेंस कर्व, अगर कोई चीज यहाँ पे गिर रही है, मतलब सर यहाँ पे बहुत लो सेटिस्फेक्शन है, और यहाँ पे अगर कोई चीज आ रही है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन, लेकिन ना तो मैं लो वाला खरीदूंगा ना ही मैं बहुत ज्यादा वाला खरीदूंगा, क्यों, क्योंकि मेरी इनकम लिमिटेड है, कैपेसिटी नहीं, ठीक है। चलो अब आ जाओ, ये फिगर दिया है, तो फिगर में यही तीन पॉइंट्स है, ठीक है, ये एक ही इंसान के है, इंसान अलग अलग नहीं है, इंसान एक ही है, बस सर प्राइजेस इतने चेंज हो रहे हैं ना, इसलिए पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन भी चेंज होता है। चलो फिर आ जाओ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो देखो सुनो, MRS का फॉर्मूला सीधा सा है, MRS इक्वल्स टू विलिंग टू गेन अपॉन, सॉरी, विलिंग टू sacrifice upon willing to gain, this is called MRS. How much you have sacrificed just to gain the another commodity, how much you have sacrificed good X to gain the commodity of goods Y. Sir, jeans ko aapne sacrifice kiya
ताकि आपको शर्ट्स मिल जाए। जितनी जीन्स को सैक्रिफाइस करा उससे आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम हुआ होगा, लेकिन जैसे ही आप जीन्स को सैक्रिफाइस करोगे आपको उतनी ही क्या मिल जाएंगी, टी शर्ट्स मिल जाएंगी। तो जीन्स से जो आपका सेटिस्फेक्शन कम हुआ था ना, वो टी शर्ट्स उस सैक्रिफाइस को वापस से भर देंगी और आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फिर से इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी सर एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर मैं एक गुड्स को सैक्रिफाइस करता हूं, क्यों? ताकि मुझे दूसरा गुड्स मिल पाए, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मैंने जैसे ही कुछ खोया तो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम हो गया, लेकिन सर मुझे जैसे ही गुड्स बाय मतलब जीन्स या टी शर्ट जो भी थी वो मिल गई तो मेरा सेटिस्फेक्शन वापस से इक्वल आ। तो MRS कहता है सर आप चेंज करोगे ना तो उससे भी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यू आर दिस कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, कंज्यूमर सेम है। चूज आप तभी करते हो ना जब आपको सेटिस्फेक्शन एक जैसा मिलता है, समझ रहे हो ना? या तो ये चूज कर लो या ये चूज कर लो, सेटिस्फेक्शन विल रिमेन सेम। अब भाई ये चूज करोगे तो इसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इसको चूज करोगे तो इसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सिंपल। बट सेटिस्फेक्शन सेम होना चाहिए, और सेटिस्फेक्शन सेम कब होता है? जब कंज्यूमर भी सेम होता है। चलो देख लो एक बार क्या लिखा है। MRS इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज प्रिफर्ड इज प्रिपेयर्ड टू एक्सचेंज गुड एक्स एंड वाई, होल्डिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज कॉन्स्टेंट। सर वो भले एक्स को सैक्रिफाइस करे या वाई को सैक्रिफाइस करे, जो भी उसको बदले में मिलेगा उसके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कभी भी चेंज नहीं। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अलोंग एनी सेगमेंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व डिफर्स द मैक्सिमम रेट इट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू एक्सचेंज ऑफ यूनिट एक्स फॉर यूनिट वाई। सर ये एक ऐसा रेट होता है जहां पर एक इंसान एक यूनिट को सेक्रीफाइस कर देता है किसी दूसरी यूनिट के लिए, लेकिन सेटिस्फेक्शन चेंज नहीं होता। अगर सेटिस्फेक्शन चेंज हो गया तो यू आर नॉट स्टडिंग MRS, मान लेना। द MRS एट एनी पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट। When measured the point MRS XY tell us the maximum rate at which consumer willing to trade. अरे समझ गया। The consumer is willing to trade goods Y for an infinitesimal bit more of goods Y. तो देखो भाई ये कहा गया कि MRS आप किसी भी पॉइंट पे देख लो। MRS के पॉइंट्स कैसे थे? एक पॉइंट था A, एक पॉइंट था B, एक पॉइंट था C, एक पॉइंट था D। जहां पे आपने क्या करा था सर, एक जीन्स के लिए आपने 6 शर्ट्स को सैक्रिफाइस करा, जहां पे एक जीन्स को और पाने के लिए आपने 3 शर्ट को सैक्रिफाइस करा, एक जीन्स को पाने के लिए आपने 2 शर्ट को सैक्रिफाइस करा, एक को पाने के लिए आपने 1 शर्ट को सैक्रिफाइस करा। ये चारों ही पॉइंट्स पे आपका जो सेटिस्फेक्शन है ना वो मैक्सिमम रहेगा। मतलब अगर मुझे पॉइंट ए पर 100% का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था ना तो मुझे यहां पर भी 100 ही मिलेगा। लोग बोलेंगे सर कमोडिटी में चेंज आ गया, आपने कुछ किसी प्रोडक्ट को सैक्रिफाइस करा, 3 को सैक्रिफाइस करके 1 ही मिला, फिर भी उतने खुश हो? तो मैं बोलूंगा यस, मैं इतना ही खुश हूं जितना पहले था। क्यों? क्योंकि मैं ये चूज करूं या फिर ये चूज करूं, मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होना है, तभी तो मैं चूज कर रहा हूं ना। अदरवाइज ये पॉइंट की तो मैं बात ही नहीं करता। आप दो चीजों के बीच में चूज कब करते हो? जब आपको दोनों ही पसंद हो, है कि नहीं? मजबूरी में तो नहीं करते ना दो में से एक चूज, अगर दोनों पसंद हो तभी चूज करते हो, ठीक है? अब देखो टेबल दी है, टेबल में ये इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताया गया है, ठीक है? आई एम नॉट डिस्कसिंग मच। चलो अब यहां पे आ जाओ, वी हैव नोटिस दैट पे ग्राफ देख लो एक बार, ग्राफ में क्या है देखो। 12 से 6 हुआ, 6 से 4 हुआ, 4 से 3 हुआ, 3 से 1 हुआ। मतलब देखो इन लोगों ने क्या बोला है सर, पहले 6 फिर 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1, कुछ इस तरीके से बना है कॉम्बिनेशन। पहले आपने एक यूनिट को पाने के लिए 6 को सैक्रिफाइस करा, दो यूनिट एक यूनिट को और पाने के लिए फिर 2 को सैक्रिफाइस करा,
फिर एक को सैक्रिफाइस करा, फिर एक को सैक्रिफाइस करा, फिर एक को सैक्रिफाइस करा। तो ये जो दिख रहा है ना आपका सैक्रिफाइस हो रहा है, वो धीरे 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 कम होता है, ठीक है। और आप पा कितना रहे हो, एक ही एक आपको एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख लो, वी हैव नोटिस दैट एमआरएस इज फॉलिंग, एमआरएस धीरे धीरे गिर रहा है, 6 से 4 हुआ, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1 हुआ। The consumer has more and more unit of foods. The rate of substitute becomes smaller and smaller. So, क्या होता है? पहले आपने एक चीज को पाने के लिए बहुत सारा खो दिया, फिर आपको वही चीज दोबारा से चाहिए तो आपको उतना नहीं खोना पड़ेगा जितना आपने पहले खोया, फिर आपको एक और चाहिए था तो आपने जो खोया वो थोड़ा और कम होता जाएगा और धीरे 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 कम होता जाएगा। तो MRS जो होता है वो धीरे धीरे डाउनवर्ड्स फॉल होता है, क्यों? क्योंकि सर कंज्यूमर की प्रेफरेंस जो है ना वो भी लिमिटेड है, इंसान सब कुछ खत्म थोड़ी कर देगा एक यूनिट का, उसको जीन्स भी चाहिए उतनी ही और उसको टी शर्ट भी उतनी चाहिए। तो भले ही वो जीन्स में डाउनफॉल लेकर जाता जाएगा लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, ऐसा थोड़ी होगा कि भाई 6 टी शर्ट और 1 जीन्स। तो MRS गिरेगा लेकिन धीरे 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 गिरेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत तेजी में MRS नीचे गिरता है, क्योंकि भाई आप सब्स्टिट्यूट उतना ही करते हो जितना आपको पसंद हो। आप थोड़ी बोलोगे कि भाई सीधा 6 से 1, यहाँ पे आपका सेटिस्फेक्शन कम हो सकता है। तो उतना ही एक प्रोडक्ट को सैक्रिफाइस करो जिसमें आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम ना हो, ठीक है। चलो अब देखो, दैट इज ही इज प्रिपेयर्ड टू गिव अप लेस and less of clothing, refer in figure 19. तो ये कहा गया कि सर फूड की ज्यादा यूनिट पाने के लिए मैं कपड़ों को सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। जैसे भाई यहाँ पे फूड को जीन्स मान लो और क्लोथिंग को टी शर्ट मान लो, तो सर जीन्स को पाने के लिए मैं क्लोथ को सैक्रिफाइस कर सकता हूँ लेकिन उतना ही करूंगा जितने में मेरा सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। अगर मेरा सेटिस्फेक्शन इधर उधर हुआ ना तो इंडिफरेंस कर्व काम करेगा ना ही MRS काम करेगा। तो सैक्रिफाइस करना है क्योंकि अगर कुछ चाहिए तो कुछ खोना तो पड़ेगा, यू हैव टू सैक्रिफाइस लेकिन सर्टेन लिमिट तक जिसमें आपका सेटिस्फेक्शन कम ना हो। अगर सेटिस्फेक्शन कम हो गया तो MRS पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा, ठीक है। अब देखो, व्हेन द कंज्यूमर मूव्स डाउन हिज इंडिफरेंस कर्व ही गेन्स यूटिलिटी फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट। सर एक यूनिट को आपने जब खोया था ना तो आपका सेटिस्फेक्शन कम हो गया था लेकिन कुछ खोया तो उसकी वजह से कुछ मिला भी, तो जैसे ही वापस कुछ मिलेगा तो वो सेटिस्फेक्शन इक्वल पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक कमोडिटी को खोने की वजह से सेटिस्फेक्शन कम होगा लेकिन जैसे ही दूसरी एडिशनल यूनिट मिल जाएगी कमोडिटी सेटिस्फेक्शन वापस से इक्वल हो जाएगा। इसके बाद बट कहां पे आ जाए, but he loses the equal utility due to reduced consumption of Y. But at each step, utility level from the consumption begin is different. At point A, figure 19, consumer consumes only small quantity of food and therefore his marginal utility point is high. And point A, then the additional utility adds a lot of total utility. But A is already consumes a large quantity of clothing. His marginal utility of clothing at the point is low. It means it takes large reduction in quantity of clothing consumed, the counterbalance is increased utility with the extra unit of food. So, देखो भाई, ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप कपड़ों को, ठीक है, जैसे जैसे आप क्लोथ को कम करते जाओगे तो आपका सेटिस्फेक्शन गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा, लेकिन जैसे ही आपको एक्स्ट्रा यूनिट फूड की मिलती जाएगी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो सेटिस्फेक्शन वापस इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा कपड़े को सैक्रिफाइस करोगे उतना ही सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा, लेकिन बाद में फूड भी तो मिलेगा ना बदले में, तो जैसे ही फूड मिलेगा वापस से आप इक्वल हो जाओ, ठीक है। लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ा रहा हूँ, MCQ क्वेश्चन आएंगे, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, जो जो मार्क कर सको करते चलना, ठीक है। अब ऐसा कुछ खास नहीं बचा। ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर पॉइंट सी, अब इसमें ग्राफ को इसने समझाया है, ठीक है। तो इसमें यही बोला है कि सर आप अगर फूड को आप फूड एडिशनल फूड चाहते हो तो उसके लिए आपको क्लोथ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तुम लोगों ने, है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहता है, अगर कुछ पाना है तो खोना पड़ेगा। अब आपने है ना पॉइंट नंबर सी को चूज कर लिया तो डी को खोना पड़ेगा या बी ए बी सी सबको खोना पड़ेगा, तो दैट इज और कुछ नहीं है। आगे आ जाओ, मूविंग डाउन द इंडिफरेंस कर्व, रिड्यूसिंग कंजम्पशन ऑफ क्लोथिंग एंड इंक्रीजिंग फूड कंजम्पशन,
will produce two opposite effects on the consumer total UTD. Reduction in total UTD due to reduction in consumption of clothing and increase in total UTD due to higher food consumption. फिर वही बात है सर, अगर आप क्लोथिंग को रिड्यूस करोगे तो आपकी आपका जो सेटिस्फेक्शन है, टोटल यूटिलिटी है, वो कम हो जाएगी. लेकिन जब आप फूड फूड को एक्स्ट्रा कंज्यूम करोगे तो यूटिलिटी वापस इक्वल हो जाएगी. वही चीज है, ठीक है. तो देख लो, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है. जो आपका कम होता है दूसरा उसको वापस से इक्वल कर देता है. यही यही चीज है बार बार बताए, ठीक है. अब बस हम रीजन देख लो. There are two reasons for this. ऐसा क्यों हो रहा है? Reason क्या? The want of particular goods is satisfiable, so that when consumer has more of it, his intensity of want for it decreases. Example, when a consumer has more into food, intensity desire to additional food is decreases. वही बात. Sir, मैं jeans और t-shirts में से choose क्या करूँगा? मान लो मेरे पास घर में already बहुत सारी jeans, तो मैं वो points choose करूँगा जहाँ पे मुझे ज़्यादा jeans नहीं, t-shirts ज़्यादा मिलें. अगर आपके पास बहुत सारी टी शर्ट्स हैं तो आप वो पॉइंट चूज करोगे जिसमें टी शर्ट्स कम होगी, क्योंकि घर में वैसे ही बहुत सारा भरा हुआ है सर. इसलिए वो चीज को आप ज्यादा प्रेफर करोगे जो आपके पास कम है घर में अपने, ऑलरेडी जो आपके पास कम है उसको चूज करोगे, ठीक है. सेकंड देखो, मोस्ट ऑफ द गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अनदर, एमआरएस विल रिमेन कॉन्स्टेंट इफ दे कुड सब्स्टिट्यूट वन अनदर परफेक्टली. सर, जहां पे एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट बहुत अच्छा होगा ना, वहां पे एमआरएस बहुत अच्छे से काम करेगा. जैसे जीन्स और टी शर्ट जो है ना, दीज आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, अपन ने ले लिया बस पढ़ने के लिए. जैसे एप्पल और ऑरेंज, दे कैन बी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. भाई दो फ्रूट्स हैं, एप्पल और ऑरेंज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे को, जीन्स और टी शर्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती. लेकिन हाँ, शर्ट और टी शर्ट सब्स्टिट्यूट कर सकती, ठीक है. तो अगर आपको ये चीज चाहेगी, ये चीज काम करे, तो कुछ ऐसे चीज देना जो सब्स्टिट्यूट कर सकती है. इन लोगों ने भी सड़ा सा एग्जाम्पल लिया है, क्लोथिंग और फूड सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता. चलो अब देख लो आगे. देखो, वी नो दैट अलोंग इंडिफरेंस कर्व, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू लोअर क्लोथिंग कंजम्पशन इक्वल्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू हायर फूड कंजम्पशन. मतलब क्या है? विलिंग टू सैक्रिफाइस इक्वल्स टू विलिंग टू गेन. ये लिखा है, समझ में आ रहा है? और तो नहीं रहा कुछ, कुछ नहीं है. जो मैंने शुरू के 15 मिनट में पढ़ाया था ना, वहां पे टॉपिक खत्म हो गया था. जस्ट बिकॉज तुम लोग ये ना सोचो कि ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ा, इसलिए मैं कवर अप कर पा रहा, ठीक है. नहीं तो एट दी एंड क्या होता है, कभी कोई बोले कि यार इको में तो पढ़ा ही नहीं, से उड़ा उड़ा दिया, तो वी आर उड़ाया नहीं कुछ, एक एक लाइन इसलिए देख रहे हैं. चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन क्लोथिंग कंजम्पशन, एम यू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ क्लोथ मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ क्लोथ. चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन फूड कंजम्पशन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फूड मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ फूड. भाई आपको ये निकालना है ना कि टोटल कितना चेंज आया है, तो क्या करना है? क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो किससे? आपके पर्टिकुलर गुड्स से. सिंपल है. देयरफॉर अलोंग द इंडिफरेंस कर्व, MUC into MU क्वांटिटी C equals to MUF into क्वांटिटी F. सुने यार, बहुत सिंपल सी बात. मैंने डिसाइड करा है कि मैं 6 जीन्स लूंगा और 4 टी-शर्ट्स लूंगा, ठीक है. ये हो गई इसकी क्वांटिटी. जीन्स से मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 50 यूनिट्स का, और टी शर्ट से मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 50 यूनिट्स का. सेम सेटिस्फेक्शन नहीं, सेम सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता यार. इसको करो 1 और 2, तब जाके तो समझ में आए. जीन्स 1 है और 2 ये है ना, और इससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 50 का, इससे मिल रहा है 50 का, तो इससे मिलना चाहिए 25. ठीक है, अब देखो. अब मैंने 2 जीन्स ले ली. नहीं यार, परफेक्ट अभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो समझाना चाह रहा है ना, उसको परफेक्ट होगा तब तो समझ में आएगा. देखो, एक जीन्स और 6 टी-शर्ट्स और सेटिस्फेक्शन देखते हैं. सेटिस्फेक्शन कितना बना है जीन्स का और इसका, इसका मान लो है 150, नहीं इसका 150 कर दो और इसका कर दो 30, ठीक है. 2 जीन्स और दो जीन्स नहीं, तो उसके लिए कितना लेना पड़ेगा? तो 3 टी-शर्ट्स, ठीक है. तो देखो, एक जीन से 30 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिलता है,
और छह टी शर्ट से 150 का सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है, छह नहीं फिर इसको भी 5 कर, ठीक है। अब जैसे ही मैंने जीन्स को 1 से 2 करा तो मेरा ये हो गया 60, और जीन्स को गेन करा है तो टी शर्ट को सैक्रीफाइस करना पड़ेगा, टी शर्ट सैक्रीफाइस करोगे तो ये आ जाएगा 90। तो अब अगर इन पॉइंट्स को तुम लोग मैच करोगे कि भाई एक जीन्स से मुझे मिला 30 यूनिट का सेटिस्फेक्शन और 5 टी शर्ट से मुझे मिला 150 यूनिट का सेटिस्फेक्शन, मतलब एक टी शर्ट से 30 यूनिट्स का मिला, तो कुल मिला के इसका टोटल लोगे तो 150 आएगा। पहले कॉम्बिनेशन बी को चूज करोगे तो 1 से 30 यूनिट का मिला है तो 2 से 60, और इस बार लिए 3 और 1 से 30 का मिला तो ये हो गया 90, यहाँ पे कितना हो गया। तो कुल मिला के बात ये है कि पॉइंट ये चूज करो या ये चूज करो, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शुड रिमेन सेम। अगर आप इसको गेन कर रहे हो और इसको सेक्रीफाइस कर रहे हो बट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चेंज नहीं, ठीक है, ये अपना एमआरटी बोलता, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज देख लो कितना बज रहा है, ये यहाँ टाइम हो गया है, प्रॉपर्टीज बचा बजट लाइन, प्रॉपर्टी और बजट लाइन अपन लोग कल की क्लास, ठीक है।